पाकिस्तान में जब भी ऑनलाइन अर्निंग की बात की जाए तो हमें बहुत सारी वीडियोस और वेबसाइट्स देखने को मिलती हैं जिसमें हमें ऑनलाइन अर्निंग के मेथड्स बताए जा रहे होते हैं उनमें से कुछ वीडियोस होती हैं जो कि लिजिट और ऑथेंटिक होती है आज की वीडियोस में से एक है तो अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं और वो भी बहुत आसान काम जो कि बच्चा बच्चा कर सकता है तो आज की वीडियो को तो किसी भी सूरत मिस नहीं करना है और इस वीडियो को कम्प्लीट डिटेल के साथ आपने देखना है बहुत आसानी वाला काम है बहुत आसानी से आप कर लेंगे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल है कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा हमारा बाहर आना जाना हो रहा होता है बस एक मोबाइल फोन चाहिए और आपने इस ऑनलाइन अर्निंग के मेथड को देखते हुए वैसे ही आपने अकाउंट क्रिएट करना है और वैसे ही सारा काम करना जो आपको बताऊंगी और आपने इस तरह से ऑनलाइन अर्निंग करके एटलीस्ट मंथली तीन डॉलर तक कमा लेने हैं इनशाला तो चलिए वीडियो को ना स्टार्ट करते हैं मेरा नाम मुजफ्फर फातमा है और मैं अपने चैनल पे ऑनलाइन अर्निंग के लिए और यूट्यूब के लिए वीडियो बनाती रहती हूँ सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो ना और आपके लिए लाने वाली सबसे पहले आपको बताती चलो बेसिकली आपने काम करना क्या है आपको एक अदत चाहिए होगा मोबाइल फोन के अलावा आपको तस्वीर खींचना आना चाहिए अगर आप अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर लेते हो तो आप यहाँ पर मल्टीपल किस्म की तस्वीरें अपलोड कर सकते हो और वीडियो अपलोड कर सकते हो जिनके थ्रू आप मंथली का डॉलर में अर्न कर सकते हो अब सिंपली आपने करना क्या है अपना मोबाइल फोन लेना है और अगर आप स्टूडेंट है तो आपका बाहर आना जाना होता है अच्छी अच्छी खूबसूरत मनाजिर देखते हैं आप अगर आप बाहर नेचर की कोई अच्छी सी पिक्चर या वीडियो क्लिक कर सकते हैं स्पेशली पिक्चर्स की बात करूंगी अगर अच्छी अच्छी पिक्चर्स लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में आप कर सकते हैं तो आपने क्लिक एंड सेकेंडली अगर आप घर में हैं, तो घर में आप अपने फूड क्लिक्स ले सकते हैं यानी के मजे मजे के खाने जैसे हम नॉर्मली बना रहे होते हैं तो उसके आप अच्छे अच्छे से क्लिक्स ले सकते हो और फिर आपने क्या करना है तो चलिए स्क्रीन की तरफ चल के आपको बताती हूँ बाकी की डिटेल्स इसके लिए सिंपली आप मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे कंट्रीब्यूटर तक आने का ठीक है इस पेज तक आने का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा वहाँ से जाके इसको ओपन कीजिएगा और यहाँ पे देखिए सिंपली आपको क्रिएट करना है सबमिट करना है वहाँ से आपको पैसे मिल जाएंगे और फिर अगर आप चाहें तो आपने इसको आगे से रेफर करना है रेफर करने पे भी आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं ठीक है थीके? आपने यहाँ पे जाके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है जब आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा जिसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होगी फुल नेम यहाँ पे आपने रखना है अपना ठीक है डिस्प्ले नेम यानी कि आपके प्रोफाइल पे क्या डिस्प्ले होना चाहिए नाम वो नाम आपने यहाँ पर रखना है इसके अलावा ई एड्रेस और पासवर्ड आपने यहाँ पर डालने के बाद इसको क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट कर देना है जो ईमेल मेल आपने साइनअप करते वक्त ऐड करी होगी उसी पे आपको एक ईमेल मिल जाएगी जिस पे आपने जाना है और लिंक पे क्लिक करना है तो फिर आपकी जो ईमेल है वेरीफाई हो जाएगी और फिर इस तरीके से आपको मैसेज आ जाएगा कि थैंक यू का ठीक है उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है तो कुछ इस तरीके से मज़ीद आपको फिल करना होगा फॉर्म को तो यहाँ पर आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है तो देखें यहाँ पर पाकिस्तान आपको नजर आएगा यानी कि पाकिस्तान में भी लोग शटर स्टॉक पर काम करके पैसे अर्न कर रहे हैं ठीक है क्योंकि इनका जो पेमेंट मैथड है वो भी पाकिस्तान के हवाले से फ्रेंडली

आपने एक बात का ख्याल रखना है कि वो फोर एम बी से ऊपर या फोर एम बी तक की पिक्चर होनी चाहिए ठीक है और जेपीजी में होनी चाहिए वरना यहां पर आपको एरर आ जाता है फिर एरर आप जाकर चेक करते हो तो आपको पता चलता है कि क्या मिस्टेक्स थी तो वहां पर आपको आ, उस हिसाब से चलना पड़ता है यानी कि जो उन्होंने कंडीशन दी हुई है कि जेपीजी में चाहिए और साथ साथ फोर एम बी की पिक्चर हो या उससे ज्यादा की उससे कम की नहीं अपलोड होगी ठीक है तो ये मेरी पिक्चर थी ये फोर की थी ठीक है यहां पर इसको मैं अपलोड करके देख लेती हूँ तो ये अपलोड हो गई है यहां पे सबमिट इस आपने इसको करना होगा यानी कि सबमिट करने से पहले भी यहाँ पर आपने कुछ चीजों को एडिट करना होगा उसके बाद सबमिट करना होगा अब, अब बेसिकली आपने आपने पे करना क्या है ये एस हम इसको एडिट करेंगे तो एडिट करने के बाद हमें ऑप्शन कुछ इस तरीके के मिलेंगे कि यहाँ पे आपको टैग्स लगाने होंगे इमेज के लिए आपने कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह इसमें लिखनी होगी तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे फिल करनी है कोई डिश है तो उसका नाम लिख दीजिए या अगर कोई मंजर है तो उसको आपने डिस्क्राइब करना है थोड़ा सा ठीक है उसके लिए कैटेगरी को सिलेक्ट करना

यहाँ पे फिर आपको ऑप्शन मिलेगा फोटो इलस्ट्रेशन में तो यहाँ पे पिक्चर है ऑब्वियसली तो आपने फोटो सेलेक्ट करना है फिर लोकेशन ऑप्शनल है और कमर्शियल पे आपने इसको रखना है ठीक है इसके बाद यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन पे इसके लिए कुछ एटलीस्ट पाँच वर्ड्स जरूर लिखने हैं यानी कि पाँच की आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे जरूर मैंशन करने हैं ठीक है इसके बाद यहाँ पे आपने इसको जब डन देन कर देना है तो उसके बाद आपने अलग से कुछ कीवर्ड्स भी लगाने हैं वो भी आपको मैं बताती हूँ कैसे जब यहाँ पे ये चीज़ आप डन कर दोगे ये खीर की पिक्चर थी तो खीर जब आप यहाँ पे मैंने देखे पांच कीवर्ड्स लगा दिए अब यहाँ पे दूसरा जो डिस्क्रिप्शन है ना यहाँ पर आपने क्या करना है कीवर्ड ऐड करने हैं इस पिक्चर से रिलेटेड इस इमेज से रिलेटेड कीवर्ड आपने ज़रूर टैग करने तो यहीं पर कीवर्ड टूल पे जाऊंगी ओपन करूंगी इसको आपको साइड में ऑप्शन नज़र आएगा देखें माय कीवर्ड्स का वहाँ पे जाने के बाद इमेज जो आपकी है ना उससे रिलेटेड आपने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिखने होंगे ठीक है आप पाँच सात दस जितने चाहो यहाँ पे लिख सकते हो मिनिमम मिनिमम सात आपने यहाँ पे ऐड करने है की वर्ड्स और मैक्सिमम फिर आप जितना कर सकते हो कर सकते हो ठीक है तो जब आप ये ऐड करोगे इसको कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है अपने पेज पे वो आपको खुद रिडायरेक्ट कर देगा यहाँ पर आएंगे यहाँ पर पे इसको पेस्ट करेंगे और इंटर कर देंगे तो ये यह यहाँ पर की डन हो जाएंगे ठीक है अब यहाँ पर हमने सिंपली क्या करना है की डन हो गए अब हमने इसको सबमिट करना है ये हो जाएगी यहाँ पर जी सबमिट ठीक है अब सबमिट हो चुकी है तो हमने अपने डैशबोर्ड में जाना है और जाके देखना ये पेंडिंग पर चली गई होगी और फिर इसको कुछ तकरीबन चार से पाँच दिन लगते हैं अप्रूव होने के लिए और अगर इसमें कोई मिस्टेक होती है तो आपको फिर यहीं पता चल जाता है कि इसमें क्या मिस्टेक थी अदरवाइज़ ये अप्रूव हो जाती हैं अगर आप इनकी कंडीशनस पर उतरते हो पूरे तो ये अप्रूव हो जाती है ठीक है इस तरीके से आप मल्टीपल किस्म की पिक्चर्स अपलोड यहाँ पर कर सकते हो यानी कि तकरीबन दस से पंद्रह पिक्चर्स आप एक साथ अगर अपलोड करते हो तो फिर वो अप्रूव हो जाती है जब उस पर फिर लोग क्लिक करते हैं तो फिर आपके जो है वो पैसे जनरेट होते हैं मिनिमम अमाउंट पच्चीस डॉलर निकलवा सकते हो विदड्रॉ करवा सकते हो पच्चीस डॉलर ठीक है यहाँ पे देखिए अब मैं अकाउंट्स के ऑप्शन पे आ गई हूँ तो यहाँ पे आप प्योनर का अकाउंट बना सकते हो ठीक है ये पाकिस्तान में चलता है आप यहाँ से फिर जैस कैश करवा सकते हो ठीक है प्योनर से इसके अलावा ये कि अकाउंट की जितनी भी डिटेल्स हैं यहाँ पर आपको सारी अपनी फ़िलअप करनी होती हैं और अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो यूट्यूब पर आपको बेताशा वीडियोज़ मिल जाएंगी पयोनर का अकाउंट कैसे बनाते हैं वो आप जाके देख लीजिएगा काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप इनकी वेबसाइट्स को आगे रेफर करते हैं ठीक है तो आपको रेफर करने पर भी आपको यहाँ पे डॉलर्स मिलते हैं यानी कि रेफर करने पे भी आपको गिफ्ट मिलता है जो कि डॉलर्स की शक्ल में होता है तो वो भी लिंक आप रेफर कर सकते हैं अपनी रेफरेंस से आप लोगों को इस वेबसाइट पर लेकर आ सकते हैं जिससे कि एफिलियट मार्केटिंग आप बेसिकली कर सकते हैं तो ये भी एक इसका तरीकेकार है इनशाला फिर मुलाकात होती है तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज